video, we are talking about the development of behavior. इससे पहले हमने उसके जिस एनिमल के बिहेवियर को डिस्कस किया था, अब हम बात करेंगे आखिर वो जो बिहेवियर है वो एक्चुअली एनिमल्स में डेवलप कैसे होता है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वो एक्चुअली एनिमल्स में डेवलप कैसे होता है. तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न रिक्वायर्स जीन्स. तो इस डेवलपमेंट जो हम कह रहे हैं बिहेवियर की, उसको जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है. दीज जीन्स कोड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द बिहेवियर. उस बिहेवियर को कुछ हम कह रहे हैं, वो जो बिहेवियर है उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको कुछ स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है, ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है. वो सारे स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स किसकी वजह से डेवलप हुए हैं, वो इन जीन्स की वजह से डेवलप होते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें नॉर्मल लोकोमोशन और व्हाट इंप्लीट्स रिक्वायर लिम्स, जैसे कि जो लोकोमोशन की अगर बात करें कि व्हाट इंप्लीट्स होते हैं उनको लिम्स की ज़रूरत होती है. तो वो जो लिम्स होते हैं हम कहते हैं उनमें जीन्स मौजूद हैं, देयर आर सम जीन्स ऑफ द लिम्स, बट द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स रिक्वायर इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है लिम्स की, उनको ज़रूरत होती है कि वो इंट्रैक्शन कर सकें विद द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अब उसके अलावा दिस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स प्रॉपर नरिशमेंट, वाटर बैलेंस एंड अदर फैक्टर्स. दीज फैक्टर्स मेंटेन नॉर्मल डेवलपमेंट. क्योंकि हम नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करें कि वो जो नॉर्मल डेवलपमेंट है लिम्स की, अगर तो नॉर्मल डेवलपमेंट होगी उन जीन्स की वजह से, उन लिम्स की नॉर्मल डेवलपमेंट है, तो उनका इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन होगा, जो एनिमल्स हैं उस इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन होगा. ठीक है, उसके अलावा उनको जाहिर सी बात है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, उनको नॉर्मल डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए उनको इन फैक्टर्स की भी ज़रूरत है. उनको प्रॉपर नरिशमेंट की ज़रूरत है, उनको वाटर की ज़रूरत है, वाटर बैलेंस. उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स की भी इनको ज़रूरत होती है. अब सबसे पहला पॉइंट हमारे पास मैच्योरेशन है. अब मैच्योरेशन क्या है? अब अगर हम मैच्योरेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि सम बिहेवियर पैटर्न्स अपीयर ओनली आफ्टर अ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज और टाइम. दिस स्टेज और टाइम इज कॉल्ड मैच्योरेशन. मैच्योरेशन से हमें पता चल रहा है कि मैच्योर फॉर्म के कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस और टाइम के बाद एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसा टाइम आता है जब एनिमल का जो बिहेवियर है वो मैच्योर हो जाता है, और इसको हम मैच्योरेशन कहते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड अदर स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग मैच्योरेशन. अब इस मैच्योरेशन में जो नर्वस सिस्टम है उसके अलावा जो और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी मैच्योर हो जाते हैं. ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कम्प्लीटेड, देयरफॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिहेवियर पैटर्न इम्प्रूव्स, जिसकी वजह से उनमें उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें मजीद जो है वो बेहतरी आती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टेल मूवमेंट इन फ्रॉग एम्ब्रियोज, टेल इज डेवलपमेंट एट नियर हेचिंग बट द एम्ब्रियोज प्रेजेंट स्टिल इन द एग मेम्ब्रेन. इट स्टार्ट्स मूविंग इट्स टेल इन साइड द एग मेम्ब्रेन. इट लुक्स एज इट इज स्विमिंग वाटर. दिस मूवमेंट कॉर्डिनेशन इम्प्रूव्स इन टाइम. दीज इम्प्रूव मूवमेंट्स आर ड्यू टू मैच्योरेशन. अब ये मैं आपको आसान करके बता दूँ. अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें टेल की फ्रॉग में, क्योंकि फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो उसमें जो है क्या होता है कि पानी में ही एग्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो हम कह रहे हैं कि जो एग की मेम्ब्रेन है उसमें उसकी जो टेल है वो मूवमेंट शो कर देती है, और ऐसा लगता है जैसे इट लुक्स डेट एट इज स्विमिंग वाटर, जैसे पानी में स्विम कर रही है. लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी जो मूवमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट आती जाती है, और फिर वो इम्प्रूवमेंट कब आती है, ड्यू टू द मैच्योरेशन. जब वो मैच्योर हो जाती है तो फिर उसकी जो टेल है वो भी मैच्योर हो जाती है. ठीक है, उसके अलावा अगर एग्जांपल देखें तो जैसे बर्ड्स की अगर बात करें, तो जब अक्सर आपने देखा है जब बर्ड्स जैसे स्पैरो हो गई, जब वो पैदा होती है तो उसके जो बर्ड्स हैं वो भी मैच्योर नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैच्योर होते हैं ना, तो फिर वो फ्लाई कर सकती है, पहले वो फ्लाई नहीं कर सकती, पहले वो मैच्योर नहीं होती. ठीक है, तो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंसेस उनको मिलते हैं, और एक्सपीरियंस के बाद वो ज़्यादा बेहतर तौर पर फ्लाई कर सकती है. इसी तरह जैसे ये टेल की हमने बात की, वक्त के साथ वो ज़्यादा, पहले हमें लग रहा है कि वो मूव तो कर रही है, बट आहिस्ता आहिस्ता जब हमें वक्त मिलता है, वक्त के साथ साथ वो मैच्योर होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर मूवमेंट शो करती है. ठीक है, तो ये मैच्योरेशन है. उसके अलावा आगे हम बात करेंगे इंस्टिंक्ट और लर्निंग इंट्रैक्शंस की. अब इंस्टिंक्ट और लर्निंग इंट्रैक्शंस की अगर बात करें तो ये क्या है कि द इनहेरिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि द इनहेरिटेड बिहेवियर जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंस्टिंक्ट, यानी कि इनबोर्न बिहेवियर. इनहेरिटेड बिहेवियर की अगर बात
बात करें तो इनबोर्न कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें लर्निंग की, लर्निंग क्या है कि द चेंज ऑफ बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। तो हम कह रहे हैं कि एक तो हमें इनबोर्न चीज मिली कि वो हमें पैदाइशी हमारे अंदर थी, लेकिन एक जो है वो हमें एक्सपीरियंस करने के बाद मिली, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट जो है, सॉरी इंस्टिंक्ट जो है, हम कह रहे हैं कि इंस्टिंक्ट जो है वो हमें हमारे अंदर पहले से ही मौजूद थी, बट जो लर्निंग है वो हमें एक्सपीरियंस जब हमें टाइम के साथ साथ जब हमें एक्सपीरियंस जो है वो मिलते गए तो हमें ये सारी तब्दीलियां जो है वो आती गई, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट को हम इनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट बार बार इंस्टिंक्ट निकलता है, बट इट्स इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट जो है इसको इनेट बिहेवियर भी बोला जाता है। तो इनेट इंस्टिंक्ट इज आल्सो नोन एज इनेट बिहेवियर। तो इनेट में हमने कहा है कि इनहेरिटेड बिहेवियर को इंस्टिंक्ट कहा जाता है या इनेट कहा जाता है। उसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस के साथ साथ इनके बिहेवियर में तब्दीली आती जाती है, वो लर्निंग कहलाती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनेट में उनमें तब्दीलियों के साथ साथ उसमें कुछ भी नहीं बनता, वो चीज़ें रिफाइन होती हैं, ठीक है, मज़ीद बेहतर होती हैं। अब हम कह रहे हैं मैनी बिहेवियरल साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट बोथ इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग आर इंपॉर्टेंट इन एनिमल बिहेवियर। ये दोनों एनिमल बिहेवियर में इंपॉर्टेंट है। इंट्रैक्शन ऑफ इनहेरिटेड एंड लर्न कंपोनेंट्स डेवलप आर नंबर ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स। देयर आर फॉलोइंग सम एग्जांपल्स। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बिहेवियरल पैटर्न्स मिलते हैं। जैसे अगर हम इनेट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि वो इनबॉर्न है, इनहेरिटेड थ्रू द जीन्स, ठीक है। लर्न की बात करें तो हमें एक्सपीरियंस करके मिलती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो जैसे अगर बेबी पैदा होता है तो वो उसमें वो तो रोता है, पैदा होते ही वो रोता है, ठीक है ना। तो उसमें बोलने की सलाहियत है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसने बोलना क्या है, कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, ठीक है। तो उसमें पहले वो जस्ट रो रहा है, ठीक है, उसने जस्ट आवाज़ तो निकाली है। वो हम कह रहे हैं कि वो उसका जो है इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, लेकिन उसने कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, उर्दू बोलनी है, पंजाबी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है या कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, तो वो इसका लर्निंग बिहेवियर है कि एक्सपीरियंस करके वो सीखता है, ठीक है। जैसे उसके अलावा बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स में क्या होता है कि बर्ड को फ्लाई करने का तो पता होता है लेकिन टाइम के साथ साथ वो ज़्यादा बेहतर फ्लाई करते हैं। जैसे अगर स्विमिंग की बात करें फिश में, ये अभी मैं इंटेंट की एग्जाम्पल दी है, जो बर्ड्स की एग्जाम्पल दी है। उसके अलावा अगर फिश की बात करें स्विमिंग फॉर फिश में, तो उनको भी स्विमिंग तो वो कर रहे होते हैं लेकिन टाइम के साथ साथ वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो उनमें रिफाइनिंग आ जाती है। तो इंस्टिंक्ट जेनेटिकली बेस्ड होती है और जो लर्निंग होती है वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ठोकर खा कर जिस तरह सीखते हैं कोई चीज़, तो बिल्कुल ये भी इस तरह जो है चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि यंग बोर्ड कैट्स वर केप्ट इन आइसोलेशन, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि यंग बोर्ड कैट्स जो हैं हम इनको आइसोलेशन में रखते हैं, दे हैड नो चांस टू कैच लाइव टैग, क्योंकि वो आइसोलेशन में है, एनिमल, ठीक है, यंग बोर्ड कैट्स। अब हम कह रहे हैं कि जब हम उसको आइसोलेशन में रखते हैं तो वो कोई भी लाइव प्रे नहीं कैप्चर कर सकते। उसके बाद हम उसमें कुछ वाइट रैट होते हैं उनको उनके साथ रख देते हैं, दे डिड नॉट अटैक, दे अटैक द रैट ओनली व्हेन इट ट्राइड टू एस्केप। वो उस वक्त उस पर हमला करते हैं जब वो वहाँ से बाहर निकलने लगता है, कोशिश करता है। फिर उसकी जो अटैक उसने पहली दफ़ा किया है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, बट आफ्टर सम एक्सपीरियंस दे कैप्चर द प्रे बाय द नेक एंड रैपिडली किल द। लेकिन दोबारा क्या होता है, एक्सपीरियंस कुछ एक्सपीरियंस के बाद वो उसकी नेक जो है, जो उसकी नेक है उसको कैप्चर करता है और उसको मार देता है। दस लर्नर रिफाइंस इनहेरिटेड बिहेवियर। दस ये जो लर्नर था इसने अपनी इस इनहेरिटेड बिहेवियर को मजीद रिफाइन किया। लर्निंग अकर्स ड्यूरिंग प्ले विद लिटल मेट्स अंडर नॉर्मल कंडीशन। और लर्निंग कब हमें मिलती है, जब हम लिटल मेट्स के साथ प्ले करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। अब लिटल मेट्स की अगर बात करें तो आपके जैसे ग्रुप फेलो, तो लिटल हम कहते हैं कि लाइफ बर्थ ऑफ मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग एट वन टाइम इन एनिमल्स फ्रॉम द सेम मदर, यानी कि एक टाइम एक ही मदर से बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग जो है वो पैदा होते हैं एनिमल्स में, ठीक है, तो ये लिटल कहलाता है। अब उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, द नट क्रैकिंग बिहेवियर ऑफ स्क्विरल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग। अब जैसे नट क्रैकिंग बिहेवियर है स्क्विरल्स का, जैसे स्क्विरल्स जो है गना एंड ट्राई टू ओपन अ नट,
वो ग्राइंड भी करती हैं, उसके अलावा उसको ग्राउंड पे भी मारती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इनएक्सपीरियंस स्क्विरल्स होती हैं उनमें ये इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस स्क्विरल्स होती हैं दिखना अ फरो ऑन द ब्रॉड साइड, ठीक है, जो उनका चौड़ा हिस्सा है, अच्छे हिस्सा होता है, उसको ये जो है ग्राइंड करती हैं, एंड देन दे इंसर्ट देयर लोअर इंसाइजर्स इनटू द फरो एंड क्रैक द पॉडनट। और फिर क्या करती है, वो अपने लोअर इंसाइजर्स को उसमें इंसर्ट करती है और उस नट को तोड़ लेती है। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ ही चीज़ें जो हैं ये सीखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग को हम उर्दू में नक्श कर देना कहते हैं। इम्प्रिंट यानी कि किसी भी चीज़ का नक्श कर देना इम्प्रिंट कहलाता है। कि द अटैचमेंट ऑफ अ यंग एनिमल टुवर्ड्स अनदर एनिमल और ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। एक यंग एनिमल है तो उसका किसी और एनिमल किसी और ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट इम्प्रिंटिंग कहलाती है। जैसे आपने अक्सर डक्स देखी होगी, ठीक है, तो जैसे आपने हेंस वगैरह भी देखी होगी, जब उनका अभी उनके छोटी होती हैं, तो मतलब छोटी तो नहीं, अभी हैचिंग के बाद की बात कर रही हूँ, कि जब वो पैदा होती हैं तो उनकी जो मदर होती है वो उनके आगे आगे चलती है, बाकी उनके जो बच्चे होते हैं वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं। वो तो वो अपनी मदर को फॉलो करती हैं। फिर वो जो क्या होता है कि जो उसको थोड़े से अरसे में उसको जो फॉलो कर रही होती है, उनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, बहुत देर तक रहता है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि ये इम्प्रिंटिंग में एक्सपोजर होता है प्लस स्टिमुलस होता है। अब वो जो स्टिमुलस उनको मिल रहा है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन वो प्रोड्यूस करते हैं लॉन्ग टाइम इफेक्ट, ठीक है। द अटैचमेंट इज फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड में होता है ये। दिस पीरियड इज सून आफ्टर हैचिंग और बर्थ। और वो कब होता है, जब वो पैदा होता है या हैच के बाद, हम कह रहे हैं। इम्प्रिंटिंग जो है वो रिवर्सिबल नहीं होता, इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल। इम्प्रिंटिंग इज अ रैपिड लर्निंग प्रोसेस, इट अकर्स विदाउट रेनफोर्समेंट। वो किसी भी रेनफोर्समेंट किसी भी फोर्स से बगैर होता है, और ये एक रैपिड लर्निंग प्रोसेस, तो बहुत जल्दी सीखते हैं। अब क्या है कि एक साइंटिस्ट था, कॉनराड लॉरेंस इसका नाम था, इसने गीज पे एक्सपेरिमेंट किया। अब गीज क्या है, गीज बिल्कुल वैसे होती तो ये डक की तरह की, लेकिन डक जो होती है उस बतख जो होती है उससे बड़ी साइज में होती है। इनके जो गीज के जो फीट होते हैं ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू डक्स। ही अलाउड द गीज टू इम्प्रिंट ऑन हिम। अब इसने क्या किया, जैसे इसने ना उसकी जो मदर थी, जब उन्होंने हैच कर लिया, बर्थ हो गई, तो उसने क्या किया कि उसके बाद तो उसकी मदर की जगह ये खुद चलता गया, ठीक है। तो फिर क्या किया कि वो जो हैचिंग के फौरन बाद मदर को हटा के वो खुद उनकी उस मदर की जगह ले ली और खुद चलता था, और फिर वो जो गीज थे वो उसके पीछे पीछे चलते गए, एंड दे फॉलोड हिम लाइक देयर मदर। और उन्होंने उसको वैसे ही उन गोसलिंग्स ने फॉलो किया, गोसलिंग्स हम कह रहे हैं जो गीज के ऑफस्प्रिंग थे, उन्होंने उसको वैसे ही फॉलो किया जैसे कि उनकी मदर ने किया। इम्प्रिंटिंग अकर्स इन मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स की भी बहुत सी स्पीशीज में होती है, ठीक है। द यंग फॉलो द पेरेंट्स सून आफ्टर बर्थ, तो यंग वन होता है वो अपने पेरेंट्स को बर्थ के बाद फॉलो करता है। ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही है, एनिमल्स में भी ऐसा ही है। दे रिकोगनाइज देयर पेरेंट्स बाय इम्प्रिंटिंग, देन पेरेंट्स लीड देम टू द नेस्ट और टू द वाटर, बट बोथ वियल एंड ऑडिटरी क्यूज आर इम्पोर्टेंट इन इम्प्रिंटिंग सिस्टम। अब इम्प्रिंटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें वियल और ऑडिटरी क्यूज होते हैं। जाहिर सी बात है वो जो चीज़ देख रहे हैं और जो चीज़ सुन रहे हैं, जो साइंस उनको मिल रहे हैं, जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये वो चीज़ें इम्प्रिंटिंग का हिस्सा है, और वो उनमें इम्प्रिंट हो जाती है, उनमें नक्श हो जाती है, फिर वो सदियों तक उनमें रहती है। अब ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, अब यहाँ पर हमारे पास ये एज है, ये क्या है, ये एज है, इसमें ऑर्स लिखे हुए, ठीक है, ये हम यहाँ पे एज कह रहे हैं, और ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सबसे पहले हम कह रहे हैं ये हैचिंग के बाद, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, 13 से 16 वाला जो इसके जो 13 से 16 वाली एज है ना, ये इसकी मैक्सिमम एज होती है इम्प्रिंटिंग के लिए, कि ये हैचिंग के बाद 13 टू 16 एज में मुकम्मल तौर पे इम्प्रिंटिंग सीख लेती है। उसके बाद एंड पे यहाँ पर आके ये कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पर ये कम है, और यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। ये क्रिटिकल पीरियड का हम कह रहे हैं, क्रिटिकल पीरियड है इम्प्रिंटिंग के लिए। तो अब मैंने डक्स और गोल्डिंग्स की भी आपको बात बता दी इम्प्रिंटिंग में। अब इसमें एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं प्रीकोशियल और आर्टिशियल, वो बुक में नहीं है तो वो मैं वैसे आपको बता देती हूँ, तो लिख देती हूँ मैं आपको बल्कि, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं,
जैसे कि एक प्रिकॉशन होते हैं, एक प्रिकॉशन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आर्टिफिशियल एनिमल्स। अब इनमें क्या फर्क है, इसकी एग्जांपल में आती हैं डक्स, गोसलिंग्स, जबकि इसकी एग्जांपल में आती हैं स्पैरोस, ठीक है। उसके अलावा इम्प्रिंटिंग किस में होती है, वो इसमें होती है, सिर्फ प्रिकॉशन में। अब मैं इसको समझाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्रिकॉशन में जस्ट इम्प्रिंटिंग होती है, आर्टिफिशियल में इम्प्रिंटिंग नहीं होती। अब इसकी क्या रीज़न है, अब आपने अक्सर देखा होगा स्पैरोज जब हैचिंग के बाद जब वो पैदा हो जाती हैं, ठीक है, जब स्पैरो पैदा हो गई, अब उसके बाद आपने देखा होगा कि उसकी वो जो उसमें ना विंग्स वगैरह प्रॉपर नहीं होते, वो टोटली हेल्पलेस होती है, ठीक है। लेकिन जो प्रिकॉशन होते हैं इसमें ना, जैसे कि डक्स और गोसलिंग होते हैं, उनमें जो है डे वन से ही वो एक्टिव होती है, वो चलना शुरू कर देती है, ठीक है। तो प्रिकॉशन जो है वो डे वन से ही एक्टिव होती है, लेकिन आर्टिफिशियल जो है वो डे वन हेल्पलेस होती है, फिर ये कुछ दिन बाद सही तरह से अपना काम करती हैं। तो इसलिए इम्प्रिंटिंग का जो काम है वो प्रिकॉशन में होगा जस्ट, वो इसलिए क्योंकि इसमें डे एक्टिव से ही ये एक्टिव होती है, सॉरी डे वन से ही ये एक्टिव होती है, दे एक्टिव एट द डे वन। ये इनका डिफरेंस है, क्योंकि प्रिकॉशन में जस्ट इम्प्रिंटिंग होगी, आर्टिफिशियल में इम्प्रिंटिंग नहीं होगी। तो ये हमने क्या देख लिया, ये इम्प्रिंटिंग हमने बात कर ली कि इसमें, क्योंकि वो यंग एनिमल्स हैं वो अपनी जो है मदर को फॉलो करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर को डिस्कस किया है।